बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने वर्ड प्रोसेसर्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सॉफ्टवेयर की डिटेल्स आपको दी थी। इसमें हमने एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर में मौजूद तमाम फीचर्स आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रोवाइड की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, यानी आपकी इंटर कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 की बुक का चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट्स। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा तमाम डिस्कशन इसी से रिलेटेड होगा कि हम इस चैप्टर के अंदर किन किन टॉपिक्स की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ये आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर का नाम है स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट क्या है? ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है, इस तरह का प्रोग्राम होता है जो कि आपके डेटा को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है। अब टेबुलर फॉर्म में आप अपने डेटा को इसके अंदर अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ टेबुलर के मानी है रोस एंड कॉलम्स की फॉर्म में, यानी ये जो लाइन है ये कहलाती है रोस, और ये कहलाते हैं यानी वर्टिकल लाइन्स कहलाती हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं रोज। तो इन रोज की शक्ल में, इन टेबुलर फॉर्म के अंदर यानी रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में आप अपने डेटा को स्टोर कराते हैं। और इसीलिए टेबुलर फॉर्म में स्टोर कराते हैं ताकि जो भी डेटा आपने रोज और कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है उस पर आप एनालिसिस कर सकें, उस पर आप कैलकुलेशंस कर सकें, जैसे कि परसेंटेज निकाल सकें, एवरेज निकाल सकें, और भी अलग अलग तरह की कंप्यूटेशंस आप इस पर परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछला लेक्चर देखा था, जो एमएस वर्ड का चैप्टर देखा था वर्ड प्रोसेसर का, वो मेनली डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को बनाना, उसमें एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना, चार्ट्स वगैरह, ग्राफिक्स इंसर्ट करना, इमेजेस इंसर्ट करना सीखी थी। और ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 स्प्रेडशीट्स का, ये मेनली जो है इसमें तमाम फोकस नंबरिंग पर होगा कि किस तरह आप अपने नंबर्स पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये तमाम जो है ये नंबर्स से रिलेटेड है। जबकि एमएस वर्ड यानी वर्ड प्रोसेसर का चैप्टर जो था, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट से रिलेटेड था, जो कि जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर काम कर सकते थे। तो दोस्तों, इन शॉर्ट, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने फाइनेंस रिकॉर्ड्स, सैलरीज, और अगर आप कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटीज में है तो आपके एग्जाम रिजल्ट्स, फीस, अटेंडेंस, मार्कशीट्स, सब इसी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये सब बताने का मकसद ये था कि इस सॉफ्टवेयर को अगर हमने सही तरीके से रन करना सीख लिया, चलाना सीख लिया, इस पर काम करना सीख लिया, तो फ्यूचर में हमें बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि हम इस चैप्टर को, इस सॉफ्टवेयर को किस तरीके से सीखेंगे, उसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा। तो दोस्तों, तो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज स्प्रेडशीट एंड फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। यानी इस टॉपिक के अंदर हम पहले तो आपको ये बताएंगे कि स्प्रेडशीट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, उसके बाद जितनी भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं उनके बेसिक फीचर्स आपको बताएंगे, जैसे कि फॉर्मूलाज, फंक्शंस क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि हर स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर आपको प्रिंटिंग मिलेगी, तो प्रिंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। यानी जितने भी स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर्स हैं उनके मेन फीचर्स से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, फीचर्स बताने के बाद हम आपको, क्योंकि अब हम जा रहे हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पर, तो हम आपको ये बताएंगे कि हम आपको कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर ये स्प्रेडशीट बनाना सिखाएंगे, इस पर काम करना सिखाएंगे। तो मैं अभी आपको पहले ही बता दूं कि हम MS Excel यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको स्प्रेडशीट पर काम करना सिखाएंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस से आपको आगाह करेंगे, इंटरफेस से आपको फेमिलियर करवाएंगे कि ये इंटरफेस उसका कैसा होता है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें फाइल्स वगैरह क्या होते हैं, बार्स किस तरह होते हैं, मतलब तमाम इंटरफेस से आपको फेमिलियर करवाएंगे ताकि आप उस पर इजीली काम कर सकें। इसके बाद जो तीसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट, यानी स्प्रेडशीट की कुछ बेसिक्स होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल्स यानी रोज एंड कॉलम्स पर काम करता है, इसके अलावा इसमें सेल्स होते हैं, तो ये तमाम हम आपको बेसिक्स इसमें फराहम करेंगे। इसके बाद हम बाकायदगी से इस पर काम करना आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह
स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर के अंदर यानी एमएस एक्सेल में डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये रोज एंड कॉलम्स पर हम रोज और कॉलम्स के अंदर हम डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं। तो हम उन रोज और कॉलम्स को इंसर्ट करना सिखाएंगे, डिलीट करना सिखाएंगे, रोज एंड कॉलम्स के अंदर जो सेल्स होंगे उनको मूव करना, मॉडिफाई करना, ये तमाम चीजें आपको सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सेल रेफरेंसिंग का, इसके अंदर हम सेल की एड्रेसिंग वगैरह सीखेंगे। इसके बाद होगा नेम्ड रेंजेस का। दोस्तों क्योंकि ये दोनों टॉपिक्स सेल से रिलेटेड हैं, अभी तक हमने सेल के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, वो हम आपको अगले लेक्चर्स में बताएंगे, तो ये टॉपिक्स भी उसी से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेटिंग एंड कस्टमाइजिंग डेटा। दोस्तों एंड डेटा को इंसर्ट एडिट करने के बाद जो तीसरा काम होता है उस डेटा पर फॉर्मेटिंग करना, कि आप उस डेटा को किस तरह मजीद खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स पर काम कर रहे होंगे, तो रोज एंड कॉलम्स पर आप किस तरह फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं, सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम फॉर्मेटिंग हम आपको करना सिखाएंगे, सेल्स के अंदर अलाइनमेंट सिखाएंगे कि आप किस तरह लेफ्ट राइट वगैरह, ये तमाम चीजें हम आपको सिखाएंगे। सेल को मर्ज करना, रैप करना, इसके अलावा डिस्प्ले करना, ये तमाम चीजें आप फॉर्मेटिंग के अंदर सीखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वर्किंग विद फॉर्मूलास। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये पूरा मैथमेटिकल बेस्ड है, कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें हम ज्यादातर कैलकुलेशंस करेंगे, तो जाहिर है कैलकुलेशंस किसी ना किसी फॉर्मूलास के बिहाफ पर होती है, तो इन फॉर्मूलास पर किस तरह वर्किंग की जाती है उसकी डिटेल्स हम आपको इस टॉपिक में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वर्किंग विद फंक्शंस, क्योंकि आपने अगर एक एवरेज का फंक्शन फॉर्मूला बना लिया, अब उस फॉर्मूला को आप कई स्प्रेडशीट्स के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फंक्शन बनाना होगा, तो आप किस तरह फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शंस पर काम कर सकते हैं, इसकी डिटेल हम आपको इस टॉपिक में देंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोड्यूसिंग चार्ट्स। दोस्तों एक और इस सॉफ्टवेयर का अहम जो फंक्शन है वो है चार्ट्स और ग्राफ्स क्रिएट करना, यानी आपने इसको नंबरिंग दे दी, अब उस नंबरिंग के बिहाफ पर किस तरीके से उसका ग्राफ बनाना है या खुद से वो ग्राफ शो करेगा, तो वो हम आपको बनाना सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा एडिशनल स्प्रेडशीट फीचर्स। दोस्तों इस टॉपिक के अंदर हम एमएस एक्सेल के कुछ एडवांस फीचर्स जैसे कि डेटा मैनेजमेंट, ग्राफिंग, मैक्रोस, मर्जिंग वर्कशीट्स, मल्टी डायमेंशनल स्प्रेडशीट्स, मूविंग डेटा बिटवीन एप्लीकेशंस वगैरह के फीचर्स, ये आपको सिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा प्रिंटिंग वर्कशीट्स एंड चार्ट्स। दोस्तों यहाँ तक आपने तमाम चीजें सीख ली होंगी, अब बारी आती है हमारे डॉक्यूमेंट को, यानी जो भी आपने स्प्रेडशीट बनाई है उसको प्रिंट करने की, तो आप किस तरह प्रिंट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स हम आपको देंगे। और हमारा लास्ट टॉपिक होगा पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, यानी दोस्तों जिस तरह मैंने आपको बताया कि अभी तक बहुत से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो उनमें से जो अब तक सबसे ज्यादा मशहूर होने वाले स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं उसकी डिटेल्स हम आपको इस लास्ट टॉपिक के अंदर फराहम करेंगे। तो दोस्तों ये वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकायदा इस चैप्टर का आगाज करेंगे इस टॉपिक के साथ कि व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर क्या होता है, और बेसिक स्प्रेडशीट फीचर्स, यानी किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी उसके बेसिक फीचर्स होंगे उसकी डिटेल्स हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।